What's up guys? तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं The Umbrella Academy सीरीज के सीजन 2 के एपिसोड 6 को। So, let's start। एपिसोड 6 की शुरुआत में हम 5 को देखते हैं जो कि हैंडलर से पूछता है कि उसने लायला को डिएगो के पीछे क्यों लगाया, जिस पे हैंडलर 5 को बताती है कि अगर 5 कमीशन के हेड को मार दे तो वो 5 और उसकी फैमिली को फिर से 2019 में भेज देगी और कयामत से भी बचा लेगी, जिस पे नंबर 5 हैंडलर से थोड़ा समय मांगता है, जिस पे हैंडलर कहती है कि जल्दी करना क्योंकि कयामत को सिर्फ 5 दिन बाकी हैं। 5 उसकी बातें सुनता है और अपनी पावर्स का यूज़ करके वहाँ से चला जाता है। अब हम क्लाउस को देखते हैं जो कि अपने भक्तों से बता रहा होता है कि वो एक फ्रॉड है और उसने अब तक जो भी कहा है वो सब झूठ कहा है, पर क्लाउस के भक्त उस पर इतना भरोसा करने लगते हैं कि वो भी खुद को फ्रॉड बताते हैं और क्लाउस के घर के आगे बैठे रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम एलिसन को देखते हैं जो कि रेमंड को सब कुछ सच बता देती है, पर रेमंड को एलिसन की बातों पर भरोसा नहीं होता है और वो एलिसन को अपनी पावर्स दिखाने को कहता है। एलिसन रेमंड को लेकर एक शॉप में जाती है और अपनी पावर्स का यूज़ करके ढेर सारे सूट लेती है और बाहर चली जाती है। तभी उसकी नज़र उसी रेस्टोरेंट पे जाती है जहाँ सिर्फ गोरे लोग ही जा सकते थे, और अंदर जाके वो कॉफ़ी ऑर्डर करती है, और जब वेटर उसे मना करता है तो वो वेटर पर अपनी पावर्स का यूज़ करती है जिससे वेटर अपनी उंगलियां ब्लैक टी से जला लेता है। रेमंड एलिसन को वहाँ से बाहर ले जाता है और ये सब ना करने को कहता है और वो दोनों घर चले आते हैं। तभी एलिसन को भी रेजिनल्ड का इन्विटेशन कार्ड मिलता है और वो उसे लेकर अपने भाइयों के पास जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं हैंडलर और लायला को बातें करते हुए, और यहाँ हमें पता चलता है कि लायला अब डिएगो से प्यार करने लगी है, पर वो ये बात अपनी मॉम से नहीं बताना चाहती। अब क्लाउस से मिलने उसका फ्रेंड डेव आता है। अब यहाँ पे क्लाउस और डेव के बीच काफ़ी सारी बातें होती हैं। डेव क्लाउस से कहता है कि अगर उसकी मौत देश की सेवा करने में होती है तो ये उसके लिए गर्व की बात होगी, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। तभी क्लाउस का एक भक्त उसे वही इन्विटेशन कार्ड देता है जो कि रेजिनल्ड ने भेजा होता है। वही कार्ड 5 को भी मिलता है और वो सभी रेजिनल्ड से मिलने के लिए जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग उस होटल में जाते हैं जो कि उस इन्विटेशन में बताया गया था, और फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि एक लिफ्ट में अम्ब्रेला एकेडमी के सारे मेंबर्स आ चुके होते हैं, और फिर वो अंदर जाते हैं और थोड़ी बातें करते हैं कि सबसे पहले डैड से कौन बात करेगा। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे रेजिनल्ड आते हैं और फिर वो लोग उनसे बातें करते हैं। यहाँ पे रेजिनल्ड उनसे पूछते हैं कि तुम लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। अब यहाँ पे वो सभी बताते हैं कि वो लोग फ्यूचर से आए हैं और उनके पास सुपर पावर है, जिस पे रेजिनल्ड उनकी बातों का यकीन नहीं कर रहे होते हैं, जिस पे वो सभी अपनी पावर्स रेजिनल्ड को दिखाने लगते हैं। लेकिन उसके बाद भी रेजिनल्ड को उनकी बातों पर विश्वास नहीं होता है और वो 5 को अपने साथ आने को कहता है। रेजिनल्ड और 5 आपस में बातें करते हैं और 5 उन्हें बताता है कि 5 दिन बाद कयामत आने वाली है और हमें आपकी मदद चाहिए, पर रेजिनल्ड कहता है कि तुम सभी के पास सुपर पावर्स हैं और तुम उसका यूज़ करके कयामत को रोक लो। जाते जाते रेजिनल्ड 5 को सलाह देता है कि उसे कुछ पलों या थोड़े समय में टाइम ट्रेवलिंग करनी चाहिए, डेकेड्स में नहीं। अब सभी वहाँ बाहर आते हैं और वान्या से सीसी मिलती है और वो दोनों घर जाते हैं जहाँ दोनों कार में इंटीमेट होते हैं और ये सब कार देख लेता है। अब हम एलियट को देखते हैं जो कि वेजिटेबल लेकर घर आता है, और कमीशन के वो दोनों गुंडे भी उसी घर में छिपे होते हैं। वो एलियट से डिएगो के बारे में पूछते हैं पर एलियट उन्हें नहीं बताता, और वो दोनों उस बंदे एलियट को बेरहमी से मार देते हैं। उनके जाने के बाद लूथर और डिएगो घर पहुंचते हैं तो उन्हें एलियट की डेड बॉडी मिलती है और घर की फर्श पे लिखा होता है ओगा फॉर ओगा। वहीं दूसरी तरफ 5 हैंडलर के पास जाता है और कमीशन के हेड को मारने की बात मान लेता है, जिसके बदले में हैंडलर उसकी फैमिली को 2019 में पहुंचाएगी और कयामत को भी रोकेगी। और इसी के साथ एपिसोड ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो इसे लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।